नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं अमीका जिनस। गाइस, पहले हमने डिस्कस किया इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर अटेस्टेशन, और इस वीडियो में जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जब एक ट्रांसफरर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफरी के नाम पर ट्रांसफ़र करता है, तब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। तो आइए जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाई विच अ डॉक्यूमेंट इज ऑफिशियली रिकॉर्डेड। रजिस्ट्रेशन, देखिए रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि ये एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया जाता है एक एज ए एविडेंस के तौर पर कि इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे दुकान बेचनी है, तो मैं उसको ओरली ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग मुझे वो प्रॉपर्टी अगर किसी के नाम पर ट्रांसफ़र करनी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफ़र करूँगा। अब देखिए, मैं अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी दुकान को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा उसका। ठीक है, जो मेरे पास रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रेशन होता है उसका, मैं वो किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र करवाऊँगा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, और इसलिए होता है ताकि पार्टीज़ की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके एविडेंस के तौर पर रखा जा सके। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं जिनको हम सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू ही रजिस्टर करवा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर करवाएँ। दूसरी बात, अगर हम कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है और उसको सेल करना चाहते हैं, तो वो भी जो उसका ट्रांसफ़र होगा वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होगा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में कुछ लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं जिसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने कंपलसरी हैं, और सेक्शन 18 में ये बताया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है रजिस्टर करवाने। आइए जान लेते हैं प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है। प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ये कोई ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाता है रिटर्न फॉर्म में स्टाम्प पेपर पर, और स्टाम्प पेपर पर ही दोनों पार्टीज़ के, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के, दोनों के सिग्नेचर वहाँ किए जाते हैं। फिर उस डॉक्यूमेंट को दो विटनेस अटेस्ट करते हैं। उनके अटेस्ट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार या रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं। सब रजिस्ट्रार या फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर दोनों पार्टीज़ की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद विटनेस जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आफ्टर चार्जिंग द फीस चार्ज करने के बाद सब रजिस्ट्रार जो हैं वो क्या करते हैं, वो उस डॉक्यूमेंट के पीछे ये सर्टिफाई कर देते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये ड्यूली रजिस्टर्ड है ऑन द सेम डेट एंड टाइम, ओके, विद ऑफिशियल सील भी लगाई जाती है। और ऑफिशियल सील लगने के बाद रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार उस डॉक्यूमेंट को पार्टीज़ को वापस कर देते हैं, और ये एक प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।